तर हा सुरक्षेमध्ये ही मोठी चूक होती. आजच खरं तर संसदेच्या हल्ल्याला 22 वर्ष पूर्ण झाली. आज सकाळी रिपोर्टर्स हो बिकॉज वी डोंट नो कि किसी के टैग्स नहीं है रिपोर्टर्स के. सो एवरीबॉडी इज लाइक यू नो एक दूसरे से टकराते हुए जाते हैं. तो आई थिंक सो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए. आई थिंक इट्स अ कंप्लीट सिक्योरिटी लैप्स एंड कुछ भी हो सकता है. एंड मोर ओवर जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे प्रॉपर वॉच भी नहीं है. एनबीसी को ही सिक्योरिटी. टुडे इज द एनिवर्सरी ऑफ द पार्लियामेंट अटैक. प्लीज कीप दैट इन माइंड. ऑन दिस डे इट्स हैपनिंग. इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट that Indian Parliament has been attacked again. But two people jumped into the well with canisters in their hand which emitted a yellow smoke. Any slogans were raised? I do not know what they were raising in the melee. I didn't follow what they were saying, but they had canisters in their hand which was emitting yellow smoke. What were they discussing, sir? It was 0 hour. People were standing up and saying whatever they wanted. They came rushing to the members. They jumped from the well into the house and then rushing towards the chair. Achha, Lok Sabha mein aaj पब्लिक गैलरी से दो लोग कूद गए और एकदम से धुआं जो है वो उठने लगा. अफरा तफरी मच गई. लेकिन उन दोनों लोगों को पकड़ लिया गया है. अभी फिलहाल जो पता चला है कोई एक का नाम जिसका मैंने पास देखा सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के साथ कोई सागर करके है और वो हमारे जो मैसूर के सांसद है माननीय प्रताप सिम्हा जी उनके गेस्ट के रूप में हुआ है. तो किस तरह का गैस था अब ये क्या बताइए. सिक्योरिटी का काम है. खाली कोई आप लोग को दिक्कत हुआ सांसदों को उस गैस से. मैं नहीं कोई ऐसा नहीं लेकिन भगदड़ मच गई. लेकिन उनको पकड़ लिया गया. दोनों लोग कस्टडी में. दूसरे वाले का कुछ सह्याद्रीची उंची म्हणजे सिचुएशन.